घर में चूहा आ जाए तो बहुत ही परेशानी होती है। एक बहुत ही आसान तरीका जिससे बहुत ही आसानी से आप पहली रात में जितने चूहे हैं उन सारे को पकड़ पाएंगे, तो चलिए देखते हैं। ये इस तरीके का एक रैट ग्लू पैड बहुत ही आसानी से किसी भी दुकान पर मिल जाता है। आप इसे ग्रॉसरी शॉप या मेडिकल शॉप में बहुत ही आसानी से खरीद सकते हैं। ये एक बुक की तरह होता है, जैसे कोई किताब होती है। जब आप इसे ओपन करते हैं तो ये किताब की तरह खुलता है और इसके पूरे पैड पे ग्लू यानी कि एक गोंद लगी होती है। और यहाँ पे सेंटर में आप कोई भी खाने वाली चीज़ इसके ऊपर रख सकते हैं, या फिर दो यहाँ पे डॉट्स दिए हैं काले कलर के, एक इस पन्ने पे दूसरा उस पन्ने पे। आप इसके ऊपर आटा, आलू या कोई भी ऐसी चीज़ जिसे देखकर चूहा इससे अट्रैक्ट हो जाए, वो चीज़ आपको इसके ऊपर रखनी है। रखने के बाद एक ऐसे एरिया में घर में जहाँ पे चूहे आते जाते हैं उस एरिया पे आपको इसे रखना है। चूहा जो है जब इसे खाने के लिए आएगा तो इस गोंद के ऊपर वो चिपक जाएगा, उसकी पूंछ या फिर उसके पैर जो है इसके ऊपर थोड़े से अटक जाते हैं। जब मैं लाइट बंद करूँगी तो वो आएगा इसके ऊपर इसे खाने के लिए, और अब देखते हैं कि वो इसके ऊपर चिपकता है या नहीं। और इस एक पैड से आप एक नहीं तीन चार या पांच चूहे भी अगर होंगे तो वो इसके ऊपर बहुत ही आसानी से चिपक जाते हैं। तो चलिए अब लाइट बंद करके देखते हैं। मैंने सिर्फ 10 मिनट के लिए लाइट ऑफ की थी और ऑन करने के बाद देखा तो इसके ऊपर एक चूहा चिपका हुआ है। मेरे घर पर सिर्फ एक ही चूहा था तो वो तो इसके ऊपर ट्रैप हो चुका है। अगर आपके किचन में या जिस भी एरिया में चूहों की बहुत प्रॉब्लम है, दो या तीन चूहे भी अगर होंगे तो वो बहुत ही आसानी से इसके ऊपर ट्रैप हो जाते हैं। चूहा इसके ऊपर से आसानी से नहीं निकल पाता है, उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जब आप इसे फेंकने के लिए जाएं तो इसके ऊपर कोई भी वेजिटेबल ऑयल डालें ताकि जो चिपका हुआ चूहा है वो इस पैड से निकल सके और वो आज़ादी से कहीं भी घूम सके। आई नो ये प्रॉब्लम देता है, लेकिन अगर आप उसे नहीं हटाएंगे इस पैड के ऊपर से तो वो इसी के ऊपर मर जाएगा। तो जब आप इसे फेंकने जाते हैं तो ऑयल वगैरह इसके ऊपर छिड़कें, ऐसा ऑयल जिससे चूहे को कोई परेशानी ना हो, तो वो इस गोंद से आसानी से निकल जाता है। मैं इस चूहे से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, समझ में नहीं आ रहा था कि इसे किस तरीके से कैच करूं। इस ग्लू पैड से मैंने इसे बहुत ही आसानी से पकड़ लिया है और मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो आप भी ज़रूर इसको ट्राई करें।